प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दे दूं, क्योंकि जो प्रतिभावान है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। तो बोर्ड ने एक इन्फॉर्मेशन जारी की हुई है, आप इसको सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। व्हेन यू ओपन सीबीएसई वेबसाइट्स, तो ये मुख्य वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। आपका समय बचाने का भरसक कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आपको वहाँ पे ये दिखेगा, आर्यभट्ट, सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2022, और ये सर्कुलर आया है, क्लिक है टू अप्लाई 2/11/2022, मतलब ये 2 तारीख को आ गया है सर्कुलर। ड्यू टू मैं बिजनेस, मैं समय नहीं दे पाया था इस काम को, लेकिन अब मैं आपको बता दूं। ये देखिए इसमें क्या है कि इस सर्कुलर में क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे आप। ये क्या कहती है सर्कुलर, ऑल हेड्स ऑफ द स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, जो भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2022 रिगार्डिंग, इसके विषय में है सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ नीड्स डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन कॉम्पिटेंसीज एंड टू प्रमोट सच कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स थ्रू जॉयफुल असेसमेंट। आर्यभट्ट गणित चैलेंज AGC इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। द टेस्ट विल बी मेनली फोकस ऑन द एक्सटेंट टू विच चिल्ड्रन आर एबल टू अप्लाई मैथमेटिक्स टू देयर डेली लाइफ। द फीडबैक फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ द टेस्ट विल हेल्प द बोर्ड टू हैंडल हैंड होल्ड द स्कूल्स एंड चिल्ड्रन इन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। द डिटेल्स ऑफ द आर्यभट्ट गणित चैलेंज आर एज अंडर, कि जो आर्यभट्ट गणित चैलेंज है किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले लेवल 1 होगा। लेवल 1 में क्या होगा जी, आपका स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन टू बी कंडक्टेड बाय द स्कूल इन अ पेन पेपर मोड, रिटर्न मोड में होगा। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके लिखना होगा। स्कूल लेवल कंपटीशन, स्कूल के विद्यार्थी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कक्षा 8 से 10, कौन से कक्षा के, कक्षा 8 to 10, एनी स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट कक्षा 8 से 10 वो कर सकते हैं, किसी की कोई पाबंदी नहीं है। और ये स्कूल लेवल पे होगा, आपका स्कूल स्वयं ही जिम्मेदार होगा इसको परीक्षा को करवाने का। लेवल 2 नेशनल लेवल कंपटीशन टू बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई कंप्यूटर बेस्ड, और दूसरा जो होगा सीबीएसई कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर में बस टिक मार्क करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, लेवल 1 स्कूल लेवल कंपटीशन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10 इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। सबसे पहले तो ये एलिजिबिलिटी है, आप सीबीएसई के स्कूल में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा 3 टॉप स्टूडेंट जो होंगे हर स्कूल्स में से वो रजिस्टर करेंगे पहले स्टेज के लिए। एरिया ऑफ असेसमेंट किस तरीके से नंबर दिया जाएगा, कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स पे आपका जो होगा कंसेप्ट देखा जाएगा, नंबर सिस्टम, नंबर सेंस, मेजरमेंट, ज्योमेट्री, सेप्चुअल सेंस, डाटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, एनालिटिकल क्रिएटिविटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये सारा है एरिया जहाँ पे देखा जाएगा कि बच्चा क्या करता है, विजुलाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेटजिक थिंकिंग, मैथमेटिक मैटिसेज एंड भारतीय गणित, मतलब वैदिक मैथ्स पढ़ाता हूँ। आप जरूर देखेंगे कि भारतीय गणित जो होता है वैदिक मैथ्स का किस तरीके से आप वहाँ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। टेस्ट ड्यूरेशन टाइप क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स कितने का होगा एट बोथ द लेवल्स। द टेस्ट विल बी 1 आवर, 1-1 घंटे का टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अच्छा पहले वाले में भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, एक होता है सब्जेक्टिव और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने बिल्कुल टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। द टोटल वेटेज शैल बी 40 मार्क्स एंड देर शैल बी नो नेगेटिव मार्क्स। खुशी की बात यह है कि आपकी बेइज्जती नहीं होगी, जितने नंबर आएंगे उतने ही आ जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे आप। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ द टेस्ट एंड सेलेक्शन, पहला स्टेज जो होगा, एंड एफिलिएटेड स्कूल कैन अप्लाई थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन सीबीएसई वेबसाइट डॉट मी एंड सीबीएसई दिस ऑन 15 नवम्बर। 15 नवम्बर से पहले आप 5:30 बजे से पहले इसको अप्लाई कर दीजिए, कोई भी फीस नहीं लगेगी पहले स्टेज के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड 16 से 21 नवंबर अ क्वेश्चन पेपर विल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड स्कूल्स विद आंसर की थ्रू द पोर्टल।
क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उसके आंसर की भी दी जाएगी, सो डेट की टीचर्स चेक करके ये पता कर लें कि टॉपर्स कौन से हैं, टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं। द रजिस्टर स्कूल विल कंडक्ट द टेस्ट बाय क्वेश्चनिंग पेपर आइडेंटिफाई टॉप 3 स्टूडेंट, इन केस मोर देन 3 स्टूडेंट्स अगर देना चाहते हैं तो यू कैन गिव द नेम्स, स्कूल पे डिपेंड करता है। उसके बाद स्कूल रजिस्टर करेगा ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ड्यूरिंग 28 to 10th of December, 20 नवंबर to 10th of December द लिंक फॉर द पेइंग फीस कैन बी आपको ओपन कर दी जाएगी। सेकेंड स्टेज क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, बोर्ड 3 स्टूडेंट्स को मार्क करेगा। ओनली द स्कूल हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेज एलिजिबल सेकेंड स्टेज के लिए, पहला स्टेज कंप्लीट करेगा रजिस्टर करेगा वही जाएगा। द डिटेल मॉडल लिस्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द स्कूल टू हैव रजिस्टर्ड 8 to 10 स्टूडेंट फॉर द 8 to class 10 students for the challenge. On successful completion, the second level computer test top 100 students from CBSE region. मतलब उस CBSE region में से कितने बच्चे छांटे जाएंगे, top 100. And fourth है, sixth है. Fee क्या होगा? First level there shall be no fee for the, यही बात है, पहले में कोई फीस नहीं लगेगा, दूसरे में 900 का। और ये एक्सेप्टेंस है, किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल प्रमोटिंग द चैलेंज, टॉप 10 स्कूल्स को अवार्ड भी दिया जाएगा, मेरिट भी दिया जाएगा, बच्चों को भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप देखना चाहते हैं कि मुझ में कितना दम है, तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, बहुत ही मज़ा आता है। देखिए चुनौतियाँ जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी, और कोशिश करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। एग्जामिनेशन जो होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जरूर दो यार, आप देंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में है। यू कैन नो, यू कैन इवेल्यूएट योर पोटेंशियल कि आप कितना कर सकते। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सीखते रहिए, और सीबीएसई की जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी आई विल लेट यू नो।